ओ चमक चलो, कहाँ चली आ रही हो? यहाँ पे एक इंटरव्यू होने वाला है बेरोजगार इंजीनियर का। हाँ घूम रहे हो भाई से, चलो बाहर निकलो। साले तुम्हारे घर में बेरोजगार माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है। लकी है तू। थैंक यू। मैं ही हूँ चंदन कुमार, मैकेनिकल इंजीनियर 90%। यकीन नहीं हो रहा, ये देख हवा में बात नहीं कर रहा मैं, ये देख देख ये देख, अभी भी यकीन नहीं हो रहा। नहीं मैं दिखा दूं। नहीं यार सर 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 कन्विंस हो गया, लेकिन एक बात पूछो तो फिर आप ऐसा पूछ छुपा के क्यों घूम रहे हो? भाई साहब एक इंजीनियर हूं ना, वो भी बेरोजगार। किसी को मुंह दिखाने लायक रहा ही नहीं मैं। अरे माँ बाप तो क्या, मैं खुद अपनी शक्ल नहीं देखना चाहता यार। अगर आप एक इंजीनियर होते ना तब आपको भाई साहब कोई है? सर लेफ्ट 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 तो थोड़ा राइट राइट, बस बस सर। सर मैं सवाल पूछूंगा, आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है सर, आपकी कहानी सुनाइए। मुझे आज भी अच्छे से याद है। अरे एकदम चोमू लग रहा है यार, क्या करें, लाइट ठीक से मारना, नौकरी से निकाल के बेरोजगार कर दूंगा तेरे को। ब्लडी इंजीनियर्स। सॉरी सर, आप कंफर्टेबल हो जाइए सर। शुरू करते सर, आप कहानी बताइए आप। मुझे आज भी अच्छे से याद है जिस दिन मुझे मेरी डिग्री मिली थी। मम्मी पापा मैं आ गया। शाबाश, अरे वाह। अरे मैं तो कहूँ कि 7 दिन के लिए फॉर्मल ले आते हैं, हमारा बेटा कल से ऑफिस जाएगा। ऑफिस और पता है मैंने तेरे लिए ना नया लंच बॉक्स भी ले लिया। अच्छा सुनो, मेरी जो शादी का लेदर के जूते हैं ना वो ले आना, कल से हमारा बेटा लेदर के जूते पहनकर ऑफिस जाएगा। नहीं नहीं, लेदर के जूते पहन के जाएगा तो थक जाएगा। तो कहती इसको एक बाइक दिला। अरे बाइक क्या, कार दिला देता हूँ। अच्छा बेटा कितने का लगा है पैकेज? पापा वो कॉम्पिटिशन बहुत था ना। अच्छा तो 10 में से सिर्फ 9 का हुआ है और मेरा भी रह गया। हाँ? रह गया? अरे शर्मा जी। हाँ जी। वहाँ नहीं यहाँ। अरे आपका लड़का तो 1 नंबर का बेरोजगार निकला, बेरोजगार। हे राम, इसकी शादी कैसे होगी? ये तो निकम्मा निकला। अरे इससे अच्छा तो हमारा लड़का है, नाप तोल पे ताबीज तो बेच लेता है। मम्मी ये आपकी आंखों क्या हो रहा है? बेटा तू मेरी आंखों में खटकने लगा। पापा हट। मम्मी, अरे मम्मी एक बेरोजगार इंजीनियर अक्सर अपने घर में कोई ना कोई काम करता हुआ पाया जाता है। I mean, काम गलत करते हुए पाया जाता है। अरे कौन बेरोजगार लाइट छेड़ रहा है? अगर बेरोजगार नहीं होते ना तो मिक्सर भी ठीक कर देते। तो चंदन जी आपने कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? अप्लाई नहीं किया। अरे एचआर के सामने मैं गिड़गिड़ आया तो मुझे इग्नोर करके चला गया, उसके पैर पकड़े तो जूता छोड़ के चला गया, वही पहन के आया हूं मैं आज। अरे जब मैंने रेज्यूमे सबमिट की तो पता है क्या किया उसने? समोसे खाने लग गया यार उसमें। सॉरी, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। खैर आपको क्या वजह लगती है आपको नौकरी ना मिलने की? इंजीनियर का टैग ही काफ़ी है सर, और ऊपर से जिस दिन मुझे डिग्री मिली तो पता चला कि मैकेनिकल। फिर एक दिन जब मैं घर से निकल रहा था तो चप्पल पहनते वक्त ऐसे ही ख्याल आया कि क्यों ना एमटेक कर लूँ। फिर मैंने अपने पिताजी से बात की। तो क्या कहा पिताजी ने? तो उन्होंने कहा कि अरे कोई इसका माइक ठीक कर दो यार, ये बात कर रहे हैं कि गड़गड़ ऐसा आवाज आ रहा है उसका, ठीक कर दो उसको। सॉरी सर, आप कंफर्टेबल हो जाइए। ठीक है बताइए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अगर इतना ही बजट होता तो एक जूस का दुकान नहीं खुलवा देता तेरे लिए, हर दिन 500 का गल्ला तो होता। आपके खुद के पापा है? मतलब मम्मी तो यही नहीं, मतलब रहेंगे खुद के पापा रहेंगे, मतलब पापा लोग तो होते ही ऐसे। खैर, ये बेरोजगारी के घनघोर हालात में आपके दोस्तों के साथ रिश्ते कैसे थे, रिलेशंस? इकलौते दोस्त ही तो थे जिनकी वजह से मैं जिंदा हूँ आज तक। मतलब दोस्तों के साथ तो ऐसा रिश्ता है कि मैं उन्हें दिन भर कॉल करता रहता हूँ तो इग्नोर करते हैं, लेकिन रात में मैसेज करके बोलते हैं कि डिड यू कॉल। कुछ ऐसी ही मतलब बातचीत होती रहती है हमारी। फिर मैंने अपने दोस्त से एक दिन ऐसे जाकर बड़े प्यार से पूछा, भाई यार प्लीज यार मेरा फोन उठा लिया करो यार, क्यों इग्नोर करते हो यार, बात कर लिया करो ना यार, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है यार, भाई मुझे तुम्हारी जैसी कोई नौकरी दिलवा दो यार, नौकरी दिलवा दो यार प्लीज ना यार, भाई भाई के लिए इतना नहीं करोगे, मतलब भाई भाई नौकरी मांग रहा है, नौकरी नहीं। बैठ ना भाई, बैठ। तो भाई ऐसा है कि तेरी अप्रोच ही गलत है, तू कहाँ एमएनसीज के पीछे पड़ा हुआ है। एक जॉब भाई, एक जॉब के लिए तू रोज़ 100 ईमेल भेजता है चार्ज को। स्टार्टअप को अप्रोच कर, मुझे लगता है तू वहाँ से ग्रो कर पाएगा। स्टार्टअप? हाँ। वहाँ कौन एंट्री देगा मुझे? अरे भाई ये HireEct पर ट्राई कर, जैसे मैंने किया। वहाँ पे डायरेक्टली को फाउंडर्स और CEO से बात करके एक अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ मैं स्टार्टअप में। डायरेक्ट बात कर सकते को फाउंडर से? हाँ, ये देख यहाँ पे कोई मिडिल मैन और कंसल्टेंट का चक्कर नहीं है, तो फ्रॉड का कोई टेंशन नहीं और जॉब भी आसानी से मिलती है। भाई ये ट्रस्टवर्दी तो है ना? हाँ भाई, ये देख 100% वेरीफाइड जॉब्स हैं यहाँ पर, और प्ले स्टोर पर 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। और तुझे पता है 30,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हायर कर रहे हैं HireEct पर, तो टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। हाँ, फिर मैंने भी HireEct पे अप्लाई कर दिया और उसी दिन मुझे इंटरव्यू का मेल भी आ गया। हाँ बेबी, अरे छोड़ दूंगा इस चौथे आदमी का जॉब, एक नंबर का गधा आदमी है ये। हाँ भाई, पसीना पोंछ दे इसका, मजदूर लग रहा है। एक तो यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही लोगों को, तुझको जॉब छोड़नी है। सर आप कंफर्टेबल हूँ। सर आप एक बात बताइए, आपकी लव लाइफ कैसी है? मेरी लव लाइफ एकदम हीर रांझे, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, बिल्कुल उनकी तरह है। अच्छा, मतलब आपको भी कोई लड़की नहीं मिली? नहीं, मतलब मिली थी लेकिन नहीं। यार बेबी क्या हुआ? मैं तुम्हारे किसी दोस्त से शादी नहीं करने वाली हूँ। क्या? हाँ, मैंने सुना था तुम्हें अपने सैन फ्रांसिस्को वाले दोस्त से बात करते हुए। मैं सैनपाड़ा में किसी को नहीं जानता, तुम सैन फ्रांसिस्को बात करी और तुम किसी से शादी वादी नहीं करने वाली हो क्या? ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती तुम, मुझे कुछ भी बोल रही हो, मतलब हमारे सपनों का क्या? और फिर सपने पूरे हो गए। किसके? आपके? नहीं, उसके। उसने अति सुंदर पिक्चर से शादी कर ली और सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गई। तो जिंदगी में बचा क्या है? इज्जत है? नहीं, मतलब मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि मेरी इज्जत कम हो गई, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं। क्या हुआ मम्मी, आज सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाया आपने? ठीक है, केला ही खा लेता हूँ मैं। और फिर उस रात पानी पीकर सो गया। इंजीनियर्स का पानी पीकर सो जाना कोई आम घटना नहीं है। हर साल कितने ही इंजीनियर्स ऐसे हादसे के बाद एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनकी जिंदगी को बदल के रख देता है। गलत है यार। चंदन जी, मैं तो उसके ही खुश हूं यार। चंदन जी, तो मैं ये पूछ रहा था कि फिर उसके बाद आपने आपकी खोई इज्जत पाने के लिए क्या कदम उठाया? जाहिर सी बात है आपने आत्महत्या तो की ना, आप मेरे सामने बैठे हो। मैंने कदम उठाया, मैं घर छोड़ के निकल आया। छोड़ के मतलब आप कहाँ गए? मतलब बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ? मैंने अपना बैग पैक किया, मैं घर से निकला और छत पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, इसका मतलब आपने निर्लज्जता की सारी हदें पार कर दी। ठीक है, सही है, सही है। आप भी मजाक उड़ा लो एक बेरोजगार इंजीनियर का। हाँ भाई, छोड़ दूंगा छत, नहीं रहना मुझे, कोई मजा नहीं आता वहां पे चटाई बिछा के धूप में सोने में। अरे एक इंजीनियर भी इंसान होता है भाई, उसके पास भी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। अरे उसके पास भी पैसा कमाने की इच्छा होती है, बस एक ऑफर लेटर के इंतजार में जिंदगी काटता है वो। और क्या है यार, कर लूंगा यार, कर लूंगा। कोई भी छोटी मोटी नौकरी हो तो एटीएम का गार्ड बनना, बन जाऊंगा भाई, बन जाऊंगा मैं। मिल गई नौकरी, मिल गई भाई। इतनी जल्दी? भाई आप इंजीनियर ही हो ना भाई, बताया तो था, हायरेक्ट पे अप्लाई किया था, इंजीनियर वाली जॉब मिली है। जॉब लग गई, जॉब लग गई मेरी। अरे भाग्यवान, वो लेदर के जूते लेकर आना। पापा मेरे बेटे को जॉब लगी। भाग्यवान वही पुराने जूते लेकर आना, वही जूते पहनकर ये ऑफिस जाएगा। और मैंने तो तेरे लिए लंच बॉक्स भी ले लिया। बेटा ऑफिस साइकिल पे जाओगे, मोटरसाइकिल पे जाओगे या गाड़ी में? गाड़ी में मैनेज कर लूंगा बाबा मैं। अच्छा सुन, हम सोच रहे थे अब नौकरी तो लगी गई है तो लगे हाथ तेरी शादी भी करवा देते हैं। कल तू अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे बुला ले। उसकी तो शादी हो गई मम्मी, और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मम्मी आपके आँख को क्या हो रहा है? तू फिर मेरी आंखों में खटकने लगा है। मम्मी यार, पापा। हाई गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते जाइए। और अगर आप भी अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं और ग्रो करना चाहते हैं तो हायरेक्ट पे साइन अप कीजिए। और इस पर कोई मिडिल मैन या कंसल्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो आप डायरेक्टली सीधे CEO और को फाउंडर से बात करके स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू डाउनलोड द ऐप एंड डायरेक्टली स्टार्ट चैटिंग विद 30,000+ स्टार्टअप फाउंडर्स। और गाइज, फॉर डेली डोज ऑफ सच एंटरटेनमेंट प्लीज सब्सक्राइब टू RVCJ.